पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हमारे सारे उम्मीदवार साथ खड़े हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद हमारे सारे उम्मीदवार आ जाएंगे, हम बगैर किसी के साथ मिले हुकूमत बना सकते हैं, हमें अवाम ने अक्सरियत देकर वेलकम किया है। नहीं, जहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहा है और उससे ज्यादा रहा है। हम जितना टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को फिर भी इलेक्शन पर अमन हुए और जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया तो बड़े उससे मुतमइन है। लेकिन ये बात जरूर है कि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से डिले किया गया और जिस तरीके से मैनिपुलेशन हो रही है, देयर इज वे टू मच। ये तो एक शेम डेमोक्रेसी की तरफ हम जाएंगे। देखिए, इन लोगों ने तो आपस में कर ली है और ये चूंकि पहले भी अलाइड थे और ये तो वैसे वक्ती तौर पर इनका मंडेट, लेकिन हमारा इनके साथ बयानिया बहुत फर्क है, तो हम इनमें से किसी एक के साथ भी अलायंस करने के मूड में नहीं है और हम तो समझते हैं कि हमारे पास अपना इंडिविजुअल मंडेट आ चुका है और उसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी जा चुके हैं कि बाय द टाइम आप फाइनल नोटिफिकेशन इशू करेंगे तब तक हमारे ये सारे केसेस रिजॉल्व भी हो सकते हैं।